दोस्तों देखिए, हमारे पास LG का एक पोर्टेबल टीवी आया है जिसका मॉडल नंबर आपको दिखाते हैं। देखिए, इसका मॉडल नंबर है 14CS4AB। ये इसका मॉडल नंबर है। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाते हैं। हम पहले लाइन देते हैं, ये हमने प्लग लगा दिया। देखिए, इसका इंडिकेटर जो है ऑन हो गया। अभी इसमें क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है आप देखिए। इसमें रिट्रेस लाइन आ रहा है। देखिए, कोई बटन में दबाने से कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। आप तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको हम रिपेयर करके दिखाते हैं। तब तक हम कैमरे को सेट कर लेते हैं। दोस्तों, हमने इसका स्क्रू निकाल लिया है। इसका कवर ओपन करते हैं। ये हमने कवर ओपन कर लिया है, हमने इसका कवर ओपन कर लिया है। अभी इसका हम सारे वोल्टेज चेक करेंगे, हमें कहाँ पे क्या क्या वोल्टेज चाहिए, हम इसको एक एक करके चेक करेंगे। उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। हमने कैमरे को सेट कर लिया है। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, तभी हमें अच्छे से दिखेगा। हमारा कैमरा सेट हो गया। इसमें हमें क्या क्या वोल्टेज हमें चाहिए होगा, हम पहले आपको दिखाते हैं। हमने मीटर ओपन कर लिया है। अब इसको हम लाइन देंगे और देखेंगे हमें कहाँ पे क्या क्या वोल्टेज मिल रहा है। ये हमने ऑन कर दिया। इसके लिए हमें पहले बेस में जो वोल्टेज रहता है वो हमारा वोल्टेज बराबर आया कि नहीं, हम आपको दिखाते हैं। ये हमने नेगेटिव पकड़ लिया। देखिए, ये हमारा 180 वोल्ट यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। देखिए, 174 वोल्ट हमें मिल रहा है। मतलब हमारा बेस में जो कनेक्शन जाने वाला है यहाँ से वोल्टेज, वो हमें यहाँ से मिल रहा है। अभी हमें बेस में चेक करेंगे, हमें बेस में वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। देखिए, बेस में हमें वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मतलब इस बेस में जो हमें वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज हमें बराबर मिल रहा है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे जो एक कनेक्शन है 1K बोल करके, यहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए होगा। ये हमें बराबर मिल रहा है कि नहीं, ये हम देखेंगे। देखिए, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे RGB लिखा हुआ है, मतलब ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन रेड, यहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक
ठीक है। अच्छा आईसी में हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, ये हमारा एबीएल वोल्टेज है, देखिए एबीएल हमें मिल रहा है, और यहाँ पे हमें 5 वोल्ट चाहिए, देखिए नहीं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमें 8 वोल्ट चाहिए, पिन नंबर पिन पे 8 वोल्ट, और दो नंबर पिन पे हमें 5 वोल्ट चाहिए, ये भी वोल्टेज हमें बराबर मिल रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है मतलब 4.9 वोल्ट, यहाँ पे 3.3 चाहिए, देखिए यहाँ पर 3.3 है, मतलब सारे वोल्टेज हमारा बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो आरजीबी वोल्टेज चाहिए और 1K चाहिए, यहाँ से वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा, ठीक है, मतलब इस आईसी में से जो वोल्टेज हमें मिलना चाहिए था, ये आईसी हमें बदल कर देखना होगा, ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम है ये आईसी से आ रहा है, इस आईसी को हम अभी चेंज करके देखेंगे, जितना वोल्टेज हमें चाहिए होगा जो वोल्टेज यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, देखिए हमारा पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज देखिए 113 वोल्ट हमें मिल रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़िया से मिल बढ़िया बराबर वोल्टेज है, ठीक है, सारे वोल्टेज हमारा बराबर है, यहाँ पर देखिए ये हमारा एजीसी है, यहाँ पर एजीसी हमारा मिसिंग है, मतलब एजीसी निकलता है आईसी से, ठीक है, इस पॉइंट से हमें एजीसी मिलता है, ठीक है वोल्टेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट है, ठीक है 31 वोल्ट, मतलब सारे वोल्टेज हमारा मौजूद है, लेकिन यहाँ से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, हालांकि यहाँ पर 4 जीनर डायोड लगा हुआ है, वो हमने ओपन करके रखा हुआ है, मतलब अगर कोई डायोड हमारा शॉर्ट होगा तो हमारा कोई कलर मिसिंग होगा, ठीक है, देखिए हम डायोड दिखाते हैं आपको, ये देखिए हमारा चारों डायोड हमने खोल के रखा हुआ है, ये डायोड हमारा ख़राब है, ये डायोड भी ख़राब है, डायोड हमने ओपन कर दिया, डायोड ओपन करने के बाद अगर आईसी अगर हम ठीक रहा तो डायोड ओपन करने से हमारा पिक्चर चला आता, ठीक है, ये आईसी हमें अभी चेंज करके देखना होगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस आईसी का नंबर हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं नहीं तो दिखेगा नहीं, देखिए TDA111 05PS N3/3 AN4 ये है आईसी नंबर इसका, इस आईसी को हमको चेंज करना होगा तभी हम कंफर्म हो सकेंगे, ठीक है, ये आईसी हम चेंज कर लेते हैं, पहले हम एक आईसी निकाल लेते हैं उस खुलने से पहले, देखिए दोस्तों मैंने एक नया आईसी ले लिया, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है, स्टिकर हम उसको निकाल देंगे और नंबर आपको दिखाते हैं सेम नंबर है कि नहीं, देखिए ये हमारा AN4 आईसी है, ठीक है, यहाँ पे जो लगा हुआ है वो भी सेम नंबर का है, हम अभी इसको खोलेंगे उसके बाद ये लगाएंगे, तब तक चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, हम पहले आईसी को खोल लेते हैं, ये हम इधर सेट कर दिया, इसके लिए हमें डिसोल्डर वेट चाहिए,
हमने डी शोल्डर वायर ले लिया है, इससे हम शोल्डरिंग को निकालेंगे। इसमें थोड़ा पेस्ट लगाना पड़ता है। इसको खोलते बहुत समय लगेगा, इसके लिए हम वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं। हमने डी शोल्डर से आईसी का जो जितना सोल्डरिंग था सब निकाल दिया है। अब हम आईसी निकालेंगे। ये हमारा आईसी निकल गया, इसको हम साइड कर देते हैं। लिया था इसको हम अभी लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आईसी में आईसी का जो पिन है वहाँ पर नंबर दिया रहता है। थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये हमारा एक नंबर पिन है। ये आईसी, ये देखिए इधर एक नंबर पिन में मार्क किया हो रहता है। ठीक है, ये आईसी हमारा ऐसे बैठेगा। इसको अच्छे से बैठाना होगा ताकि कोई भी पिन मिस ना हो जाए। देखिए हमने इसको अच्छे से बिठा लिया। इसको हम अभी सोल्डरिंग करेंगे। इसको अच्छे से बढ़िया करके सावधानी से सोल्डरिंग करना होगा ताकि एक दूसरे से इसका पिन जो है एक दूसरे से सटा ना रहे। हम थोड़ा इसको ब्रश मार के साफा कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं वोल्टेज चेक करके हमें वोल्टेज बराबर आया कि नहीं। पहले हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं, इसके वजह से हमको थोड़ा स्किप करना पड़ेगा। ये हमारा पुराना आईसी है। ये हमारा आईसी हमारा सोल्डरिंग हो गया। आपको नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए इसमें कोई भी पिन एक दूसरे से लग गया है कि नहीं। अब देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए हमने आईसी को बढ़िया से लगा लिया, कोई भी पिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर जुड़ा हुआ होगा तो आईसी हमारा खराब होने की चांस होता है। ठीक है, अभी हम टेस्ट करेंगे हमारा वोल्टेज वगैरह ठीक आया कि नहीं। इसके लिए हमको टीवी को लाइन देना होगा। आईसी बदलने के बाद भी हमारा सेट ठीक नहीं हुआ, मतलब जो हमारा यह इसमें जो आईसी लगा हुआ था वो आईसी हमारा ठीक है। अभी हमने ढूंढ के निकाला है क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर है 33 के, ये हमें गलत दिखा रहा है। इसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, ठीक होता है कि नहीं जो हमारा प्रॉब्लम था। इसको हम चेंज कर लेते हैं। पहले हमने लाइन बंद कर दिया। यहाँ पे एक रजिस्टर है, आपको दिखाते हैं कौन सा रजिस्टर है। ये वाला रजिस्टर है। इसको हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये वाला रजिस्टर है, इसको हम
बदल के देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। देखिए हमने कौन सा रजिस्टर निकाला, 33 के रजिस्टर है, इसको हमें चेंज करना होगा। ठीक है, इसको चेंज करने के बाद इसके जगह हम बड़ा वाला 33 के लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है, अब इसको हम सेट कर देते हैं खराब वाला को और नए वाले को इधर लगा देते हैं। तो हम जूम आउट कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा सेट ओके हुआ या नहीं। ठीक है, तब तक चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। इसका जो बड़ा हुआ हिस्सा है इसको काट देते हैं। अभी हम लाइन देंगे, हमने लाइन दे दिया। अभी हम आपको स्क्रीन दिखाते हैं, ये देखिए ए बी लिखा हुआ आ गया। अभी हम इसमें सेटअप बॉक्स का कोड लगाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आपको पिक्चर दिखाएंगे हमारा पिक्चर आया कि नहीं, आप देख सकते हो। देखिए पिक्चर हमारा बड़ा बड़ा चला आया। देखिए ये टीवी हमारा ओके हो गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा जो हमने आईसी लगाया था ये हमने इसको खोल दिया है। खोल देने के बाद इसके साथ में जो आईसी था उसी को हमने लगा दिया। देखिए यहाँ पे हमने स्टिकर थोड़ा स्टिकर को थोड़ा ऐसे खुरेस के निकाला था हम। ये हमारा आईसी ठीक है, ये सेट में जो लगा है वो भी ठीक है। सारा खेल क्या हुआ, सारा खेल इस रजिस्टर में है। इस रजिस्टर का प्रॉब्लम होने से हमारा ये प्रॉब्लम आया था रेट्रेस लाइन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।